दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय टीम के एशिया कप में पाकिस्तान में नहीं खेलने पर निराशा जाहिर की है। इसी जिद में पाकिस्तान सरकार ने अभी तक वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी सहमति नहीं दी है, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर नवंबर में भारत में होना है। पाकिस्तान के अलावा सभी देशों ने अपनी सहमति ICC को दे दी है। दुनिया का एकमात्र देश पाकिस्तान रह गया है जो अपनी सहमति नहीं दे पा रहा, जबकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत में मात्र 4 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने की वजह से बेहद गुस्से में है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्राफ्ट शेड्यूल में भी बदलाव की मांग की है। पाकिस्तान भारत को जलाने के लिए अपने सभी मुकाबले चाइना में करवाना चाहता है, जो संभव नहीं है, क्योंकि BCCI इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी वजह से अब तक विश्व कप का शेड्यूल नहीं जारी हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम के भारत में वर्ल्ड कप खेलने या नहीं खेलने का फैसला सरकार के हाथ में है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहली बार इस मामले पर अपनी बात कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वह भारत में आगामी वनडे विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी के सभी पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है। कुछ समय पहले ही ICC ने विश्व कप का ड्राफ्ट शेड्यूल सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को भेजा था। इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि सरकार की अनुमति के बाद ही वह अपनी टीम को भारत भेजने या नहीं भेजने का फैसला कर पाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर विश्व कप का शेड्यूल टूर्नामेंट शुरू होने से 1 साल पहले ही जारी कर दिया जाता है। वर्ष 2015 और 2019 विश्व कप में भी ऐसा हुआ था। पाकिस्तान को इससे पहले अपना रुख साफ करना होगा और भारत में खेलने से जुड़ी सभी चिंताएं ICC और BCCI के सामने रखनी होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान की ये फालतू की जिद ICC के सामने सही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक व क्रिकेट हिमालयाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें।